लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। इस हिंसक झड़प में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की कुरुटोला ग्राम पंचायत के ग्राम गिधानी के रहने वाले जवान गणेश राम कुंजाम भी शहीद हो गए। शहीद कुंजाम का पार्थिव शरीर विशेष विमान से रायपुर लाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम संस्कार के लिए गृहग्राम ले जाया गया और शहीद गणेश पंचतत्व में विलीन हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद गणेश राम कुंजाम की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए गिधाली गांव की शासकीय शाला का नामकरण उनके नाम पर करने की घोषणा की है। सीएम बघेल ने कहा कि शहीद कुंजाम के परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शहीद के पिता को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का चेक भी सौंपा। भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए छत्तीसगढ़ के बहादुर जवान वीर शहीद गणेश कुंजाम को नम आंखों से विदाई दी गई। शहीद के पार्थिव शरीर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कंधा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों के साहस और बलिदान को नमन किया और शहीदों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि शहीद गणेश कुंजाम ने देश के लिए शहादत दी है। ऐसे महान सपूत पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हम सब देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं और जवानों के साथ हैं। बता दें कि शहीद गणेश कुंजाम 16 बिहार रेजिमेंट में सिपाही के पद पर सेवारत थे। शहादत की खबर ने पूरे परिवार के साथ ही गांव वालों को भी झकझोर कर रख दिया है। न्यूज़ डेस्क।